मट्टू मंडी के तेरा पंथ भवन में युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण की विदुषी शिष्या शासन श्री सुमन श्री के साधिन्य में भगवान महावीर के जन्म कल्याण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ महिला मंडल द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से 14 सपनों को देखते हुए किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा कव्वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति से पूरी धर्म सभा ओम हरिओम ध्वनि से गूंज उठी। साधु श्री ने मार्मिक उद्बोधन में कहा कि भगवान महावीर के उपदेशों में परिवार से लेकर राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान है। उनके मात्र 3 सूत्र अहिंसा अनेकांत अपरिहाग्रह को समझाकर हम अपनी जीवन शैली में उतारे। महावीर नहीं तो वीर बने, वीर नहीं तो कम से कम तीर बने। उन्होंने कहा कि आज समाज में आग्रह दुराग्रह और व्याग्रह की समस्याएं आती हैं, उनको हम अनेकांत सूत्र से सुलझाएं, प्रदर्शन और दिखावे की बातों से थोड़ा ऊपर उठें, तभी महावीर की जन्म जयंती मनाना और अधिक सार्थक होगी। साध्वी सुरेखा ने समता धर्म के महत्व पर अपने विचार रखे। साध्वी मधुर लता ने वैशाली में जन्मया महावीर गीत से भक्ति रस बिखेर दिया। साध्वी शालिनी प्रभा ने भी प्रवचन दिया। सभा अध्यक्ष मोहनलाल गर्ग व महिला मंडल अध्यक्षा शिल्पी बंसल द्वारा सिरसा आदमपुर नहराना व स्थानीय लोगों को कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर मदर टेरेसा स्कूल व ज्ञानशाला में बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय बंसल द्वारा किया गया। राजेश बंसल ने आए हुए लोगों का आभार जताया। समस्त पदाधिकारी तेरापंत सभा भट्टू मंडी सभी गणमान्य जन व महिला मंडल की सदस्यों के अथक परिश्रम से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। देखिए कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक। जेता सिंह